हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स आपको बताने वाली हूं, कैसे ये आपके बालों के बहुत उपयोगी है और चमत्कारी काम भी करता है। बालों से जुड़ी समस्याएं, बालों का झड़ना और सफ़ेद होना समय से पहले, और ग्रोथ ना होना, लंबा ना होना, ये सारी समस्याएं ये दूर करता है। मैं इसे पर्सनली खुद इस्तेमाल करती हूं, तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूं कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मसाज करते हैं, तो और इसके बेनिफिट्स भी आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरी वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैतून का तेल विटामिन के और ई से इन्फेक्टेड होता है, जो बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए कंडीशनर के रूप में काम करता है या उन्हें नरम भी करता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रभाव को भी कम करता है। बालों की ग्रोथ के लिए जैतून का तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो कि बालों को लंबा और घना करने में मदद करता है। और ये जो हमारे बाल ख़राब हो चुके, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बालों की मरम्मत भी करता है, रिपेयर का काम करता है, और ये डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, अन्य समस्याओं को भी रोकता है, जिससे स्कैल्प सूखे और परतदार हो सकते हैं। बालों के लिए जैतून तेल बेजोड़ लाभ भी पहुंचाता है। ये बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि है ये डैंड्रफ हटाता है। डैंड्रफ क्यों होता है? ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो ये डैंड्रफ को हटा देता है, बालों को पोषण देकर उसे बहुत ही सॉफ्ट और नरम बना देता है। और दूसरा, ये स्प्लिट एंड्स को रोकता है, जो हमारे दो मुँहे बाल हो जाते हैं उनको भी बहुत सॉफ्ट बना देता है और स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं, और नरम कर देता है, मजबूती देता है, और चमक बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ हम सभी जानते हैं ऑलिव ऑयल को खाने से भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों को ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। बालों को बढ़ने में मदद करता है, जिससे बालों में जो मौजूद केराटिन होता है उनको ब्लॉक करता है और सीबम नहीं बनने देता, जिससे हमारे बाल आसानी से लंबे हो जाते। तो मैं पर्सनली इसे इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तेल, और थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है और तेल के कंपैरिजन में, बट आप इसे हेड मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसके हेयर पैक भी बना सकते हैं, जैसे आप कोकोनट ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हैं, जहद के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेमन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग हेयर पैक हैं, और मैं केवल ऑलिव ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आया था ये ऑयल, और ये में जो एंड पॉइंट होता है आपके बालों का, मैंने हाथों में तेल लेके उसके एंड पॉइंट पे भी लगा रही हूँ, जिससे ये आसानी से एंड पॉइंट जो स्प्लिट एंड्स हों वो नरम हो के रिपेयर हो जाएं। बहुत धीमी धीमी से आपको उंगली की टिप से मसाज करनी है, और आप चाहें तो हल्का सा इसको गर्म कर लें तब अप्लाई करें अपने बालों में, और उसके बाद आधा घंटा लगा रहने के बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं अपने बालों को। बाल देखिए कितने सॉफ्ट लगेंगे, स्कैल्प भी आपकी कितनी सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसे पर्सनली बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।